गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। कल रात को मैंने अपना ट्रेन इसी रेलवे स्टेशन पर लगाया था। कल रात को 10:30 बज गए थे मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो कल रात मैंने अपने धन्यवाद दिया। और आज सुबह उठ के जल्दी से वीडियो एडिट करा। कल इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि एडिट करने का मन ही नहीं करा। आज सुबह उठ के जल्दी से वीडियो एडिट करा और अब जाके अपनी दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने वीडियो अपलोड लगा के रखा है और अभी सुबह के लगभग 8 बज के पार हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक गर्मा गर्म चाय लिया, दिन की शुरुआत करते हैं इस गर्मा गर्म चाय के साथ और फिर सीधे निकलते हैं यहाँ से। वैसे अभी मैंने मुँह हाथ कुछ नहीं धुलाई करा है। मैं सोचा हूँ कि यहाँ से निकल के सीधे हर की पौड़ी जाकर वहाँ मस्त गंगा मैया में स्नान करूँगा। भाई यहाँ से हर की पौड़ी कितने किलोमीटर होगा? 1.5 किलोमीटर है। बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, चाय पी के निकलता हूँ। भाई अभी मैं हूँ हरिद्वार में। यहाँ गंगा मैया में डुबकी लगा के सीधे मैं निकलूँगा ऋषिकेश के लिए। सुबह सुबह का वक्त है, सब लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गंगा मैया का बहाव बहुत तेज़ है। आज तक मैंने जितनी भी नदियों को देखा है वो इतनी तेज़ नहीं होती है, पर यहाँ बहुत तेज़ बहाव है। खैर मैं यहाँ 2-3 डुबकी लगाता हूँ गंगा मैया में, अपने सारे पाप धोल देता हूँ। वो कहते हैं ना, हरिद्वार आए हो अगर गंगा मैया में डुबकी नहीं लगाए तो क्या करते हैं, हरिद्वार आए हो। हरिद्वार लोग आते हैं अपने पाप धोने गंगा मैया में, यहाँ लोग पाप धो रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अपना पाप धोने। चलो स्नान करके मिलता हूँ आपसे। यार मेरे घर से निकले तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए और आज पहली बार ऐसा मौसम मुझे दिखा है। बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। बूंदाबांदी भी हो रही है, बहुत सही लग रहा है। बारिश आ जाए मज़ा आ जाए। वैसे तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले से प्लानिंग करके जाता हूँ कि हाँ पर्टिकुलर इस जगह पर जाना है मुझे, पर ऋषिकेश में आते वक्त मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करा है कहाँ जाना है क्या करना है, क्योंकि यार इतनी खूबसूरत जगह है, क्या ही प्लानिंग करूँ। जहाँ मन करे वहीं जाऊँगा। बहुत चालू चीज़ है। चलो दोस्तों ऋषिकेश में पहुंच के पहला चाय। चेस।
भाई यहाँ पे सब मज़े कर रहे हैं, वैसे मेरा कोई काम धंधा तो है नहीं, मस्त जाके यहाँ पे पानी में लेटे रहूँगा। चलो फिर एक बार नहा लेता हूँ गंगा मैया में। भाई पिछले एक घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अभी भी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। यहाँ की जो लहरों की आवाज़ है यार, दिल को इतनी शांति दे रही है। पिछले एक घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अब भूख भी लग रही है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और फिर रहने का भी बंदोबस्त करना है, वीडियो भी एडिट करना है, बहुत काम है। भाई शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, फाइनली सामने मुझे एक गुरुद्वारा दिख गया। वैसे तो मैं कहीं भी टेंट लगा लेता, पर अगर सामने गुरुद्वारा मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। और मुझे पता था यार, अभी फ़िलहाल केदारनाथ का यात्रा चल रहा है, केदारनाथ का पट खुलने वाला है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे भाई मिलेंगे, बस इसी की तलाश कर रहा था। सामने मुझे भैया मिल गया, कुछ भाई मिले। अरे महादेव, भैया पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने गाँव से, इनका गाँव से 450 किलोमीटर। पाँव भी यार, पाँव देखो इनका कैसा हो गया पूरा। हरियाणा से कर रहा हूँ मैं। हरियाणा से हो ना भैया लोग? सिक्किम से। नाम क्या है भैया आपका? मेरा संजय राय। आपका? टीका बुजुर्ग। हम लोग है ना, हम लोग जल्दी निकला था, मार्च 6 तारीख को निकला था, अप्रैल 10 तारीख को खुलने वाला था ना। अच्छा अच्छा। वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ ज्यादा बर्फ पड़ने से एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से हम लोग भटक गया है ना, रास्ते पे भटक गया। उसके बाद हम लोग बौद्ध गया गया सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद फिर राम मंदिर गया, राम अयोध्या भी हुआ, अयोध्या हुआ है, अयोध्या गया, उसके बाद आगरा गया ताजमहल, उसके बाद वृंदावन मथुरा। अच्छा। उसके बाद फिर दिल्ली गेट, उसके बाद हम लोग पहुंच गया यूपी। अच्छा अच्छा। गाजियाबाद से यूपी, यूपी में हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, ऐसा टाइम है ना स्पेंड करके जा रहा है। हम लोग जल्दी पहुंच सकता था लेकिन स्पेंड कर करके जा रहे हैं यार आप लोग। मैं भी सेम दुनिया देखते हुए जा रहा हूं। कितनी खुशी मिली आज आप लोगों से मिलके। मैं यार मेरे को खुद खुशी लग रही है। मैं को क्यों खुशी हो रही है पता है? कोई पैदल चल रहा है अभी है ना, ये अभी ज्यादा आदमी लोग है ना केदारनाथ दर्शन करने के लिए। अभी तो देखना ना, अभी थोड़ी देर बाद जब मिलता है, अब केदारनाथ पे जब उठोगे ना उस समय देखना, हर एक जगह टेंट ही टेंट। मैंने वीडियो देखा है, मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहा हूँ। मेरा आज 98 डेज चल रहा है। 98 डेज, 3 मंथ हो गया, 3 महीने से ज्यादा थोड़ा हो गया। मैं ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुका हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया, चार धाम 12 जिले कर रहा हूँ। दो लड़का है ना वो रनिंग करके आ रहा है। अच्छा यार कैसे कैसे लोग होते हैं ना वहाँ पे मिलता है। मैं सोचा था खाली अकेला मैं ही पागल हूँ, नौकरी उकड़ी छोड़ के घूम रहा हूँ। नौकरी छोड़ के घूम रहे हो? अरे भाई गजब यार, भाई मैं स्टडी छोड़ के घूम रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए था भाई, स्टडी कर लेना चाहिए था। दोस्तों अभी रात के लगभग 7:30 बज चुके हैं, रहने के लिए मैं जगह देख रहा था। मैं तो सोच रहा था यार गंगा किनारे मस्त टेंट लगा लो, पर मेरा पावर बैंक पूरा डेड हो चुका था। और भाई यहाँ पे जो शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ यार, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ मोबाइल वगैरह सब बंद करके मैं गंगा मैया की लहरों की आवाज़ सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। और यहाँ का नज़ारा एक बार आप चेक करो, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये जानकी झूला है और वहाँ सामने जो आप देख रहे हो चमक रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं,
वो लक्ष्मण झूला है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लहरों की आवाज़ लग रहा है। खैर दोस्तों, इस ब्लॉग की समाप्ति में यही करना चाहता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे कल। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि कल मुझे क्या करना है, वो तो रात को जाके आराम से सोचूंगा, फिर कल का कल ही देखा जाएगा। खैर अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं मिलूँगा आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हैप्पी, लिव योर लाइफ, लिव अ ड्रीम, चिक चिक बूम, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव महादेव।